नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। किसानों के नाम पर पूरे प्रदेश सहित शहडोल में भी भाजपा और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भाजपा ने जहां एक और कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिखी। हालांकि शहडोल में कांग्रेसियों का प्रदर्शन फीका आया। प्रदेश में 4 नवम्बर का पूरा दिन किसानों पर आधारित रहा। भाजपा ने किसान आक्रोश सम्मेलन आयोजित किया, वहीं प्रदेश की सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी ने भी धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। शहडोल में किसानों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आए और अपने अपने मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदर्शन में जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन संख्या बल से जूझता नजर आया और केवल मुट्ठी भर कांग्रेसियों ने अपनी मांगों को लेकर शहडोल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन में भाजपा को जिला प्रशासन के द्वारा आंदोलन की अनुमति नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेताओं ने जिला कलेक्टर पर कांग्रेसी मानसिकता होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिजली का बिल कम करने और किसानों की बर्बाद फसलों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार से अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के लिए कोई सहायता राशि नहीं मिलने के विरोध में आंदोलन हुआ। एक्चुअली 3 विषयों के लिए आंदोलन है। पहला तो जो मिस्टर राहुल गांधी कांग्रेस के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसानों के कर्जे 2 लाख तक के हम माफ कर देंगे, तो 2 लाख तक के किसानों के कर्जे तो माफ नहीं हुए हैं। दूसरा उन्होंने शब्द कहा था कर्जे माफ नहीं होंगे तो 10 दिन में हम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो मुख्यमंत्री भी नहीं बदला गया, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बदल गए। पहला मुद्दा हमारा ये था। दूसरा मुद्दा था कि मध्य प्रदेश में इस बार 60% अधिक बारिश हुई है, तो किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है। ऐसे 32 जिले पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण किसानों को खाने की किल्लत हो गई है। 1 रुपए भी मुआवजा के रूप में कहीं नहीं दिया गया, उल्टा 5% वेट जो है ना पेट्रोलियम पर बढ़ाकर ऐसे 1,000 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठे किए गाय के लिए। उन्होंने कहा जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ उसको पैसे दिए जाएंगे। तो इसमें भी किसानों का जो ओलावृष्टि हुई है, जो वर्षा वृष्टि हुई है, इसका भी उन्होंने कोई भी मुआवजा नहीं दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।